Today we will study committees on corporate governance in international context. कि international level पर जब corporate governance evolve हुआ तो कौन-कौन से committees बनी, कब वो establish हुई, कब उन्होंने report publish करी, क्या main purpose था इन committees का, क्या इन्होंने recommendations दी and क्या conclude करा. तो ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आई थी कैडबरी कमेटी रिपोर्ट 1992 में, फिर आई ग्रीनबरी रिपोर्ट 1995 में, फिर आई हैम्पल रिपोर्ट 1998 में, फिर सार्बन्स ऑक्सले एक्ट बना 2002 में, फिर माइनर्स रिपोर्ट आई 2004 में. तो इस वीडियो में हम सिर्फ कैडबरी कमेटी रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम इसकी नीड पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ, क्या रीजन था कि ये कमेटी बनाई गई. तो इसकी नीड है, ड्यू टू फाइनेंशियल स्कैंडल्स इन 1980 इन्वॉल्विंग यूके लिस्टेड कंपनीज विच लेड टू फॉल इन इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन द क्वालिटी ऑफ कंपनीज रिपोर्टिंग. कि 1980 में कुछ फाइनेंशियल स्कैम्स हुए थे जिसमें यूके की लिस्टेड कंपनीज भी इन्वॉल्व थी, जिससे इन्वेस्टर का इंटरेस्ट हार्म हुआ, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लो हो गया कंपनी की रिपोर्टिंग की क्वालिटी पर. इट मींस इन्वेस्टर को ट्रस्ट नहीं रहा कंपनी की रिपोर्ट्स पर. तो ये रीजन था जिस वजह से कैडबरी कमेटी रिपोर्ट बनाई गई. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी एस्टैब्लिशमेंट. कैडबरी कमेटी की एस्टैब्लिशमेंट हुई मई 1991 में. इस कमेटी को तीन अथॉरिटीज़ ने मिलकर इस्टैब्लिश करा. फर्स्ट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल, सेकेंड इज द लंदन स्टॉक एक्सचेंज एंड थर्ड इज द अकाउंटेंसी प्रोफेशन अरोज. इन तीन अथॉरिटीज़ ने मिलकर कैडबरी कमेटी को मई 1991 में इस्टैब्लिश करा. नेक्स्ट इज रिपोर्ट. कैडबरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी दिसंबर 1992 में. नेक्स्ट इज चेयरमैन. कैडबरी कमेटी के चेयरमैन थे सर एड्रियन कैडबरी, इन्हीं के नाम पर कमेटी का नाम पड़ा. नेक्स्ट इज मेन पर्पस. इस कमेटी का मेन पर्पस वही है जो इसकी नीड थी, जिस वजह से बनी थी ये कमेटी. इसलिए बनाई गई थी क्योंकि फाइनेंशियल स्कैम्स हो रहे थे. तो इस कमेटी का मेन पर्पस भी यही है, टू एड्रेस द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस. कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के फाइनेंशियल एस्पेक्ट को एड्रेस करना कैडबरी कमेटी का मेन पर्पस था. ओके, सो नेक्स्ट इज, ये पिक्चर है सर एड्रियन कैडबरी के, जो चेयरमैन थे इस कमेटी के. ओके, सो नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन. इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस भी दी थी. कैडबरी कमेटी ने टोटल 5 रिकमेंडेशंस दी थी. फर्स्ट रिकमेंडेशन इज द मेजॉरिटी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड फ्री फ्रॉम एनी बिजनेस और अदर रिलेशनशिप्स. कि मेजॉरिटी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए मैनेजमेंट से, किसी भी बिजनेस से एंड किसी भी रिलेशनशिप से. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कोई लिंक नहीं होना चाहिए इन सब से, तभी जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो अपनी इंडिपेंडेंट जजमेंट दे पाएगा कंपनी में. सो सेकेंड रिकमेंडेशन इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शुड बी अपॉइंटेड फॉर स्पेसिफाइड टर्म्स. कि जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो स्पेसिफाइड टर्म्स के लिए ही अपॉइंट किए जाने चाहिए. थर्ड रिकमेंडेशन इज सर्विस कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट एक्सीड 3 ईयर्स. कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट 3 ईयर्स से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 3 ईयर्स का ही होना चाहिए सर्विस कॉन्ट्रैक्ट. फोर्थ रिकमेंडेशन इज एग्जीक्यूटिव रेमुनरेशन शुड बी रिकमेंडेड बाय रेमुनरेशन कमेटी मेड अप इंटायरली और मेनली ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव्स. कि एग्जीक्यूटिव की रेमुनरेशन रेमुनरेशन कमेटी द्वारा ही रिकमेंड की जानी चाहिए एंड जो रेमुनरेशन कमेटी है उसमें इंटायरली या फिर मेनली नॉन एग्जीक्यूटिव्स ही होने चाहिए. सो फिफ्थ रिकमेंडेशन एंड लास्ट रिकमेंडेशन इज एन ऑडिट कमेटी शुड बी इस्टैब्लिश एटलीस्ट ऑफ 3 नॉन एग्जीक्यूटिव्स. एक ऑडिट कमेटी इस्टैब्लिश की जानी चाहिए जिसमें एटलीस्ट 3 नॉन एग्जीक्यूटिव्स हों. ओके, सो ये 5 रिकमेंडेशन दी थी कैडबरी कमेटी ने. नेक्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी. कि ये कहाँ अप्लाई होगी. ऑल दीज रिकमेंडेशंस अप्लाई टू ऑल लिस्टेड कंपनीज. ये सारी रिकमेंडेशंस सारी लिस्टेड कंपनीज में अप्लाई होंगी. नेक्स्ट इज कंक्लूजन. दिस कमेटी इज फॉर्म्ड फॉर एडिक्वेट वर्किंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सो दैट इट रिड्यूस स्कैम्स एंड फेलियर्स ऑफ कॉर्पोरेट. ये कमेटी इसलिए फॉर्म हुई थी ताकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एडिक्वेट वर्किंग हो, जिससे स्कैम्स और कॉर्पोरेट के फेलियर्स रिड्यूस हों. एज अ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, मैनी कंपनीज चेंज देयर गवर्नेंस प्रोसीजर एंड कंडक्ट अकॉर्डिंगली. काफ़ी सारे कंपनीज ने अपना गवर्नेंस का प्रोसीजर और कंडक्ट इस कमेटी के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया. सो बस आज की वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे सेफ एंड टेक केयर. ओके, गुड बाय.